जब मैं सिक्स क्लास में था ना तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था लेकिन मैं इतना बड़ा फट्टू कि उसे बोलने का हिम्मत नहीं था वो चली क्लास की टॉपर मैं बोला अगर उसके जाके बोलूंगा ना तो मुझे मार मार के मार मार के गिरा देगी तो मैंने मैंने क्या किया पता है मैंने एक पेपर निकाला और उस पेपर में अपने दिल की सारी बातें लिख दी जो भी मुझे उसको बोलना था और अपना नाम नहीं लिखा और हमारे स्कूल में क्या होता था था कि रोटेशन चलता था बेंच पे बैठ के मतलब आज इस बेंच पे बैठे तो अगले दिन आगे वाले बेंच पे उसके साथ अगले वाले आगे तो मुझे पता चल गया था कि नेक्स्ट टाइम कौन से बेंच में वो बैठेगी तो मैंने क्या किया छुट्टी टाइम जाके वो लेटर उसके डेस्क में डाल दिया मुझे पता था कि कल वो उस टेबल पे बैठेगी और घर आ गया और मैं जस्ट उसके बगल वाले सीट के बगल वाले सीट में बैठा था नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आई तो मेरी नजर पूरी उस पर थी कि वो कब देखेगी फाइनली उसने सेकंड पीरियड में वो लेटर देख लिया जब वो डेस्क में कुछ रखने जा रही थी और मैं देखा तो पूरा कुछ लिखा हुआ था उसके बारे में उसमें सारा कुछ लिखा था कि मैं बहुत प्यार करता हूँ मतलब uh, मतलब मैं ये वो मतलब जितना कुछ था ना मैंने सारा कुछ लिख दिया था अब छुट्टी टाइम तो डेस्क पे रख दिया था लेटर दूसरा दिन उसे लेटर मिला तो उस लेटर में मैंने अपने सारे दिल की बात लिख दी थी और उस लेटर में ये भी लिख दिया था कि मैं तुम्हारे क्लास में नहीं हूँ बट हाँ तुम्हारे सेक्शन में जबकि मैं सेम सेक्शन में था मैं बगल में बैठ के सब कुछ देख रहा था वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही है ठीक है तो मैंने उस लेटर में लिखा था कि प्लीज इस, इस लेटर में अपना जवाब लिख कर जाना उसने तो रिप्लाई नहीं दिया बट उसकी जो बेस्ट फ्रेंड उसके साथ जो बैठती थी बोल रहा है जैसे ही मैं निकल रहा था तो मैंने जल्दी से उसके डेस्क से पार हुआ और वो लेटर ले लिया फिर मैंने घर आके पढ़ा तो ये ये लिखा था तो फिर मैं क्या किया नेक्स्ट दिन सेम एक और लेटर लिखा और उसमें सारा कुछ लिखा प्लीज मैं तुमसे जवाब

ने हमारे क्लास का एक लड़का को बोल दिया था कि देखना डेस्क पे कोई अगल बगल पार हो या लेटर वेटर देख के जाए तो नजर रखना और मुझे तो ये सब कुछ पता चल रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है मैं मैं तो एकदम डर गया गया था फिर मैं क्या किया घर और दूसरे दिन एक और लेटर लेके आया अब मैं सोचा की अब लेटर तो लिख लिया हूं, पर ये लेटर दू कैसे उसको तो फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे था और फ्राइडे को फोर्थ पीरियड में होता था हमारा डांस तो हम लोग डांस रूम में गए थे तो डांस रूम में शूज उतार के जाना पड़ता था तो मैं पहले ही चला गया फिर वो जब लड़की आई तो मैं उसके शूज पे नजर रखा की कौन सा उसका शूज है तो वो शूज उतार के जैसे ही डांस रूम के अंदर गई मैं उसके शूज में लेटर डाल दिया और जैसे ही स वाला पीरियड खत्म हुआ वो बाहर आई तो उसके जूते में लेटर मिला उसको उसमें मैंने लिख दिया था कि प्लीज यार इस बार सर को मत बताना प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मैंने स्कूल के रजिस्टर से तुम्हारा व्हाट्सअप नंबर लिया हूं और, और आज मैं तुम्हें चार बजे मैसेज करूंगा प्लीज ऑनलाइन रहना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना है और हाँ उस टाइम व्हाट्सअप ना न्यू न्यू आया था तो व्हाट्सअप नंबर बहुत कमी लोग का था तो मैंने देखा था उसका भी व्हाट्सअप नंबर है तो मैं घर आया और फोन लेकर बैठा था साढ़े चार बजे एक अलग नंबर से मैंने मैसेज किया और वो नंबर मेरी दादी का नंबर था जो दादी फोन तो ली थी लेकिन उनका फोन खराब होने के कारण सिम बहुत दिन बनता तो मैं, तो और, और ही बजे मैंने उसको मैसेज किया मैंने लिखा हाय कैसे हो लिटरली ये टाइप करते करते मेरा हाथ एकदम कांप रहा था पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था वैसे दोस्ती हमारी काफी पुरानी थी थर्ड क्लास ही हमारा दोस्त है और ऐसा नहीं कि हमारा पहले कभी बात नहीं होता था ज्यादा नहीं होता था लेकिन हाँ hmm. अच्छा खासा बात भी होता था पता नहीं उस दिन मुझे क्यूँ इतना अजीब लग रहा था उधर से उसका रिप्लाई आया कौन हो यार तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो ये क्या तरीका हुआ प्यार का इजहार करने का और देखो ये मेरे पापा का नंबर है प्लीज उस पर मैसेज मत करो और तुमको क्या लगता है ये सब करके तुम प्यार का इजहार कर रहे हो ये कैसा प्यार का इजहार है तुम मुझे इम्प्रेस नहीं डिप्रेस कर रहे हो उसने बोला जो कोई भी हो प्लीज मेरे सामने आओ कल मैं स्कूल आऊंगी कल मुझे सामने से बोलो मैं किसी को नहीं बताऊंगी और देखो प्यार मोहब्बत तो अभी पता नहीं मुझे लेकिन हम अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं इसलिए जो कोई भी हो प्लीज ऐसा मत करो जो भी बात है तुम मुझे सामने आकर बताओ और फिर उसने मुझे ये बोला कि देखो ये मेरे पापा का नंबर है फिर कभी इस पर मैसेज मत करना और ये मैसेज भेजते ही मुझे उसने ब्लॉक कर दिया अब दूसरे दिन स्कूल में मैं सबसे पहले पहुंच गया था मुझे पता चल गया था वो उस दिन कौन से डेस्क में बैठेगी तो मैंने उसके डेस्क में फिर से एक लेटर डाला लेटर में लिखा था मेरा इंटेंशन तुमको हर्ट करना नहीं था अगर तुम्हें ऐसा सच में लगता है की मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो मैं तुम्हें दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ और हाँ आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी लेटर नहीं लिखूंगा और उसके बाद मैंने कोई भी लेटर नहीं लिखा ऐसे करते करते दो दिन बीत गए दो दिन के बाद जब मैं स्कूल गया था स्कूल में तो कुछ नहीं हुआ जब मैं घर आया पांच बजे जब मैं ट्यूशन से आने के बाद व्हाट्सएप खोला था देखा उसका मैसेज आया था अनब्लॉक होके कौन हो यार तुम प्लीज एटलीस्ट बता दो तो दो तो तुम कौन हो दो दिन हो गए मैं सोच रही थी तुम फिर कोई लेटर लिखोगे बट तुमने ऐसा नहीं किया लेकिन एटलीस्ट बता तो दो तुम हो कौन देखो अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम मुझे बताओगे तुम हो कौन यार अब मुझे एकदम नहीं सोच रहा था मैं करू भी तो क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आया था मैंने सोच लिया कि नहीं बताऊंगा सुनी अगर मैं बता दूंगा तो मेरी जो अच्छी खासी दोस्ती है ना उससे खराब हो जाएगी और उससे सच में कहीं ना कहीं लगता था कि वो मैं ही पर्सनल था ना उसमें भी उसने मुझे लिखूंगा तुम्हें अगर पसंद भी करूंगा तो तुम्हें डायरेक्टली आके नहीं बोलूंगा डरता हूँ लेकिन अब मैं मन भी मन सोच रहा था अगर मैं बता भी दू तो हमारी जो अच्छी खासी दोस्ती है ना वो भी टूट जाएगी तो ये बात का मुझे डर था उसके बाद मैंने सोच लिया था आज के बाद कोई भी लेटर नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही ओवर होते जा रहा है सच बताओ तो नही तीन महीना पार हुआ महीना पार हुआ उसके बाद एक दिन ऐसा आया तो मेरे पीछे बैठी दो लड़कियां और हम मेरे बगल में एक बैठा एक लड़का हम लोग चारों कुछ गेम खेल रहे थे मुझे याद तो नहीं कौन सा गेम खेल रहे थे लेकिन हाँ कोई गेम खेल रहे थे तो उसी गेम के बीच में मैंने ये बोल दिया कि उस लड़के को जो लेटर लिखता था

तुरंत जाके उसको जाके बोलती है कि उसने जो लेटर लिखा था मैं तो अब देख लिया कि वो पक्का मेरे बारे ही बोल रही है तो ओ, जिसको मैं लेटर लिखता था उसने मेरे तरफ मुड़ के देखा तो मैं समझ गया कि चलो आज तो मतलब मेरा कल्याण हो गया और उसने पक्का जाकर उससे बोल दिया है तो मेरी जो दिल की धड़कन थी वो जोरों से धड़क रही थी तब तो मेरे पापा स्कूल में लेने आया करते थे ठीक है तो जैसे ही मैं बाहर गया तो उसने मुझे ऐसे पीछे से पकड़ के बोला अंकित सुनो मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा उसने बोला की अंकित देखो झूठ मत बोलो मुझे पता है तुम लेटर नहीं लिखते थे तुम किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो मैं बोला की नहीं यार मैं ही लेटर लिखता था और सॉरी मुझसे मुझसे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई है मैं आपसे ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा तो बोले कि देखो झूठ मत बोलो और तुम जाओ यार अभी यहाँ से और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने किसी को बहुत ज्यादा जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी को हर्ट किया है और मैं घर आ गया और जब मैं घर आया मेरे whatsapp पे दो मैसेज आया था एक तो गुस्सा वाला इमोजी और एक आई हेट यू वाला मैसेज और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बुरा दिन था उस टाइम तक मेरा लाइफ का पहला हार्ट ब्रेक था उसके था। अब नेक्स्ट दिन क्या हुआ सुनो वो ना हमेशा स्कूल लेट आया करती थी और मेरे पापा छोड़ते थे तो मैं कभी जल्दी जाता था कभी कभी थोड़ा पहले जाता था लेकिन लेट से कभी नहीं जाता था और उस दिन क्या हुआ मैं भी लेट से गया और वो भी लेट से आई ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था मैं इधर से आ रहा हूँ वो उधर से आ रही है मैं बोला की अंकित कुछ कर जल्दी जो करना है मैं करू भी तो क्या करूँ हम लोग स्कूल के अंदर घुसे और मैंने उसको तुरंत जाके बोला देखो सॉरी प्लीज ये बात तुम सर को मत बताना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो बोली चले जाओ यहाँ से बस और मैं अपना उदास फेस लेकर चला गया और फिर हम लोग की एंट्री क्लास में साथ में हुई क्लास में

प्लीज़ देखो मुझे व्हाट्सएप से अनब्लॉक कर दो मैं कभी भी तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा बस अनब्लॉक कर दो फिर उसने स्माइल करते हुए बोला अच्छा ठीक है देखते हैं मैंने सोचा उसने देखते हैं कहा मतलब जरूर कर देगी और उस दिन जब मैं घर गया तो मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कितना बार व्हाट्सअप है मुझे ऐसा लगता है हर दो मिनट में मैंने व्हाट्सअप चेक कर रहा था कि उसने अनब्लॉक किया कि नहीं किया लेकिन नहीं किया था एक दिन हो गया दो दिन हो गए तीन दिन हो गए एक हफ्ता पार हो गया उसने नहीं किया था एक हफ्ता के बाद मेरे मोबाइल में मैसेज आता है अनब्लॉक कर दी हूँ लेकिन मैसेज मत करना मैं मानो इतना ज़्यादा खुश था ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा कहने तो उसको कुछ रिप्लाई भी नहीं किया अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है अब सुनो दिक्कत कहाँ से शुरू होता है पिछले तीन साल से हमारा हमारा सेक्शन एकदम चेंज नहीं हुआ है लेकिन इस बार एट में हम लोग जाने वाले थे तो मेरे दोस्त लोग ने बताया था कि इस बार पक्का सेक्शन चेंज हो जाएगा और मैं इतना ज्यादा डर गया था कि क्या पता हम लोग सेक्शन अलग नहीं हो जाएगा मैं तो भगवान से इतना मना रहा था कि भगवान प्लीज सबको अलग कर देना बता हम लोग दोनों को अलग मत करना अब रिजल्ट वाले दिन मैं ना बहुत ज्यादा डरा हुआ था प्लीज मेरा सेक्शन चेंज मत करना अब ना हमारा फाइनल एग्जाम का रिजल्ट निकलने वाला था मुझे रिजल्ट का उतना टेंशन नहीं था जितना टेंशन इस बात का था की कहीं उसका भी सेक्शन चेंज तो नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा डरा हुआ था पापा के साथ में गया था स्कूल रिजल्ट लेने के लिए भगवान से बस रास्ते में यही प्रे करा था प्लीज मेरे को और उसको अलग मत करना जब क्लास रूम में एंटर किया तो देखा वो भी बैठी हुई अपने पापा के साथ मैंने तुरंत पापा को बोला की पापा हम लोग चल के वहाँ बैठे जस्ट बगलवा सीट में मैं और मेरे पापा बैठे हुए थे हमेशा की तरह उसको पहले रिजल्ट मिला और ऑब्वियस बात है की उसे अच्छे नंबर आए थे क्योंकि वो क्लास की टॉपर थी तो उसके पापा बहुत ज्यादा खुश थे फिर बारी आई मेरी जब मैं सर के पास गया रिजल्ट लेने तो सर ने बोला की आओ 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 आपका बेटा पास तो हो गया है लेकिन डेवी बिस्टुपुर का नाम भी रोशन कर रहा है मेरे पापा खुश हुए और बोले कि ऐसा क्या किया इसने। तो सर ने बोला कि आपका बेटा को प्यार मोहब्बत आजकल बहुत हो रहा है फिर ऐसी नॉर्मल बातचीत हुई और निकलते साहब मैंने सर से पूछ लिया की सर सेक्शन सबका चेंज हुआ है या सेम है तो सर ने पीछे मुड़ के बोला की जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना मुझे अच्छी तरह से पता है जब मैं क्लास से निकला था तब सर ने मुझे बोला अंकित जाओ खुश हो जाओ सेक्शन चेंज किसी का नहीं हुआ है और फाइनली पता चल गया था कि हमारा सेक्शन चेंज नहीं हुआ है सेम है मैं, मैं भगवान से जो मांग रहा था मुझे वो मिल गया था ठीक है अब हम लोग एट में सक्सेसफुली पहुंच गए थे और मैं ना इस बार सोच लिया था कि भगवान प्लीज उससे इस बार मिला ही देना इस साल में तो मैं गया एट क्लास में मतलब आ, मतलब बातें बातें तो उतनी नहीं होती थी हाँ नजरें मिलती थी कभी उसकी नजर मिलेगी तो वो हटा लेगी मेरी नजर मिलेगी तो मैं हटा लूंगा फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि देखना भाई ऐसा वैसा मतलब कर रही है मतलब भाव ही नहीं देती क्या करूँ मैं तो मेरे दोस्त तो ने उल्टा मुझे बोला कि भाई देख तू तो इतना बकलोल से दिखता है काम कर तो थोड़ा स्टाइल वाइल में रहे तो ने भी बोला था कि भाई बहुत तो स्मार्ट लग रहा है अब तो लड़की पट ही जाएगी तब बाल का ना यही वाला स्टाइल चलता था हमारे स्कूल में अब ना बहुत सारा स्टाइल आ गया है तो वो मुझे अभी भी भाव नहीं दी फिर मेरे लाइफ में आया एक दिन साइंस एग्जीबिशन कॉम्पिटिशन साइंस एग्जीबिशन में बेसिकली होता क्या है आ, पांच लोगों का ग्रुप बनता है पूरे क्लास में और टीचर कैसे ग्रुप बनाती है सारे नाम का मतलब सारे कोई का एक एक चिट बनेगा ठीक है और वो चिट में से मतलब पांच का चिट निकलेगा फिर वो जिसका नाम निकलेगा उसका ग्रुप बन जाएगा पांच लोग का ठीक है और आप मानो

और वो कॉल मानो मतलब दो घंटा तक चला था और दो घंटा तक ना मैं ना मतलब बहुत कम बोल रहा था मतलब खाली मैं उसकी बातें सुन रहा था मैंने ना उसका आवाज भी रिकॉर्ड किया था और वो रिकॉर्डिंग ना मेरे पास अब तक है मेरे फोन पे मैं आज भी वो रिकॉर्डिंग सुनता हूँ कि हमारा पहला जो बातें हुआ था व्हाट्सएप पे भले ही वो कॉन्फ्रेंस कॉल हो लेकिन बातें तो हुआ था ना मतलब इतना ज्यादा मैं प्यार करता था और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा साइंस प्रोजेक्ट के लिए काम होना शुरू हो गया और थोड़ी थोड़ी हमारी मतलब एक दूसरे से बातें होती थी काम भरी बातें होती थी लेकिन हाँ बातें तो होती थी ना फिर धीरे धीरे करके हम लोग एक अच्छे दोस्त

तो उसने मुझे बुलाया साइड में बोला कि तुमने अपने दोस्तों को क्या बोला है अंकित हम लोग बस एक दोस्त है उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना और जिस तरह से तुम्हारे दोस्त लोग का बिहेवियर है और ऐसे ऐसे कर रहे हैं भाभी भाभी बोर्ड के पिछड़ा रहे हैं मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तो उनको ऐसा समझा दो कि प्लीज ऐसा मत बोले और आज के बाद तुम उससे बात मत करना मतलब मैं बहुत ज्यादा सैड था मैं बोला कि देखो उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ मैंने ऐसा उनको कुछ भी नहीं बोला अगर तुम्हें लगता है तो ठीक है तुम मुझसे आज के बाद बात मत करना और पूरा एट्थ क्लास वो मुझसे बात नहीं की बस इसी चीज़ को लेके मैंने अपने दोस्तों को बोला फिर हम चले गए नाइन्थ क्लास में और नाइन्थ क्लास में भी हमारी मतलब बातें नहीं होती थी फिर हमें मिला नाइन्थ क्लास का समर वेकेशन समर वेकेशन में मैंने व्हाट्सअप पे हाई लिखा तो उधर से रिप्लाई आया उसका हेलो तो मैं मतलब इतना ज़्यादा कुछ था मैं बोला क्या करूँ क्या पूछू ऐसा तो चीप लगेगा मैं ऐसे कैसे हूँ क्या ये सब पूछेगा तो मैंने उसे बस पूछा कि हॉलीडे होमवर्क हो गया तो वो बोली कि नहीं बस बचा हुआ है साइंस का तो मैं बोला कि मेरा भी साइंस का बचा हुआ है तुम्हारा हो जाएगा तो मुझे बताना तो उसके बाद मैंने मतलब ऐसी थोड़ी बहुत बातें हुई व्हाट्सअप पर ही बातें होती थी फिर नाइन्थ क्लास में स्कूल खुला तो वो स्कूल में मैं गया उससे बात करने की कोशिश की बट उसने इग्नोर किया तो मैं समझ गया कि ये बात नहीं करेगी तो फिर मैं घर आया और व्हाट्सअप पे ही मतलब जो बातें होती थी हमारी व्हाट्सअप पे ही होती थी ठीक है उसके बाद हम मतलब नाइन क्लास ऐसी पार हो गया फिर हम लोग चले गए क्लास टेन में ठीक है और क्लास टेन में क्या हुआ आ, उस समय मतलब सबका प्रेशर था और उस, उस समय हम लोग की मतलब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी बस सब ग्रुप था और ग्रुप में मतलब सबको अच्छा से बात बात मतलब अच्छा से सब कुछ एकदम नॉर्मल कैसे दोस्त लोग होते हैं लेकिन अब मतलब उसके मन में पता नहीं प्यार मोहब्बत था कि नहीं बट मेरा मन में थोड़ा बहुत तो, तो हमारी दोस्ती हो गई थी अच्छी खासी फिर टेंथ में हमने बोर्ड दिया और अब टेंथ में ही सेलेक्ट करना होता है कि हमें नेक्स्ट क्या लेना है साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना तो मैंने सोचा कि वो साइंस ले दी तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ फिर मैंने घर आके बोला कि देखो मुझे साइंस लेना है तो मेरे घर वाले ने एकदम परमिशन नहीं दिया कि साइंस लेने का तो मैं तो मतलब पूरा दो तीन दिन तक ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में चला गया था मैं साइंस लूंगा क्योंकि वो नहीं रहेगी मेरे क्लास में तो मैं उसे बिना देखे बिना मर जाऊंगा तो मैंने क्या किया फिर लास्ट मैंने कॉमर्स लिया और मुझे पता था कि अब देखो क्या होता है फिर हमने क्लास का बोर्ड दिया और बोर्ड के लास्ट दिन ही कोविड आ गया ठीक है कोविड हुआ तो सबको ही घर पे चले गए और कोविड के बाद से ही हम लोग घर पे ही रहे ऑनलाइन क्लास होती थी उसकी साइंस की अलग क्लासेस होती थी और मेरी कॉमर्स के अलग बट हाँ हमने मैंने कॉमर्स विद मैथ्स लिया था उसका साइंस में मैथ्स भी था तो हमारी जो मैथ्स की क्लासेस होती थी ना तो वो हमारी सेम होती थी हम लोग को सेम लिंक मतलब गूगल लिंक होता था तो वो ज्वाइन करना पड़ता था मतलब एक ऐसी क्लास थी जो मैंने मुझे याद भी भी मैंने 11th क्लास का एक दिन भी ऐसा मैथ्स ना हो हो जो स्किप किया हो। सारा ऑनलाइन क्लास में मैंने मैथ्स का क्लास अटेंड किया ही किया हो मतलब कुछ भी हो जाए मैथ्स क्लास अटेंड करना ही है फिर मैंने व्हाट्सअप पे मतलब उसे कनेक्ट करने की कोशिश की उस समय तो सबका अपना अपना पर्सनल व्हाट्सअप हो गया था फिर मैंने बातों बातों में ही उसने मुझसे पूछा था ये बात कि अंकित मुझसे प्यार करते हो तो मैं बोला कि हाँ करता तो हूँ बोली कि सच में अभी भी तो मैंने बोला हाँ बस मैंने प्रपोज कर दिया और उसके बाद पता है उसका रिप्लाई क्या क्या आया कि वो बोल रही थी कि मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मतलब ऐसा था के बाद मुझे याद है इलेवेंथ क्लास का था मतलब ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर को मैंने हाँ उसे प्रपोज़ किया था उसने हाँ भी बोला था उसके बाद से आज तक हम लोग रिलेशनशिप में उस लड़की का नाम तो मैं नहीं मतलब लेना चाहूँगा लेकिन देखता हूँ अगर ये स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो आगे मैं स्टोरी का सेकंड पार्ट भी ज़रूर बताऊँगा लेकिन यहाँ तक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी आगे तो नॉर्मल जो चलता है लाइफ में वो चल रहा है और अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में बता सकते हो कमेंट करके डीएम करके आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में या किसी और वीडियो में